आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ फोर टिप्स टू ग्रो योर इंडोर प्लांट फास्टर। उसमें पहला आता है रोटेट योर प्लांट। मैं ये ट्रे को मैं इंडोर से बाहर निकल के लाई हूँ। मैं अपनी बैल्कनी में रख रही हूँ। ये मेरा टेबी टेबल के ऊपर रह रहा था, करीबन 10-12 दिन हो गया है उस टेबी टेबल के ऊपर ही था, तो आज मैं बाहर निकल के लाई हूँ क्योंकि प्लांट को बाहर कभी कभी निकलना ज़रूरी है। 10-12 दिन में आप एक बार इसे बाहर निकाल के इसको रोशनी और हवा दे सकते हो। इसीलिए मैंने दो तरीके का ट्रे बनाया है। एक ट्रे पे मैंने अभी जो प्लांट मैं बाहर लाई हूँ, जो एक ट्रे में बहुत सारा प्लांट है उसको, और जो और एक ट्रे है जिसमें उसी तरीके का प्लांट है, वो मैं अपने घर में टीवी टेबल में इंडोर में रखने वाली हूँ। इससे क्या होता है, जो बहुत दिन से इंडोर में था वो प्लांट बाहर में आके थोड़ा हवा थोड़ा रोशनी पा रहा है, और जो बाहर में था वो मैं अभी इंडोर में रखूँगी। उसके बाद आता है सावर। इंडोर प्लांट को सावर करना बहुत ज़रूरी है। सावर करने से इसका ऊपर का धूल मिट्टी हट जाता है, इससे इसका जो फोटोसेंसिटिविटी का जो प्रोसेस है वो अच्छी तरह से होता है। और कोई इस तरह के से धूल मिट्टी हट जाने से आपका जो प्लांट है वो ग्लेजी भी लगता है, देखने में खूबसूरत भी लगता है। और जो मनी प्लांट होता है वो तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। उसका जो पीछे का नोट होता है उस पे पानी गिरने से वो बहुत हेल्दी ग्रो करता है। इसीलिए आप जब सावर कर रहे हो मनी प्लांट का जो पीछे का नोट है उस पे सावर करना ज़रूरी है। हम लोग तो हर रोज़ तो वाटरिंग नहीं कर सकते, मतलब सॉइल को चेक करके हमको वाटरिंग करना पड़ता है, पर हम रेगुलर जो वाटर स्प्रे है वो कर सकते हैं। मैं छोटा छोटा पॉट पे सॉइल चेक करके थोड़ा वाटरिंग कर देती हूँ और वाटर स्प्रे भी कर देती हूँ। इस वजह से खूबसूरत से ग्रो करता है मेरा इंडोर प्लांट। इस तरह से तो वाटरिंग करने से खूबसूरत भी लगता है और हेल्दी ग्रो करता है इंडोर प्लांट। तो शावर करना बहुत ज़रूरी है ग्रो करने के लिए आपका इंडोर प्लांट। उसके बाद आता है लाइट। हम लोग इंडोर में जो प्लांट रखते हैं उसे कभी कभी निकाल के हम इनडायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं, पर जो आर्टिफिशियल लाइट है उसका हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग इंडोर में जो प्लांट रखते हैं वो कभी कभी बहुत ही डार्क प्लेस में रहता है, और उसमें लाइट अच्छी तरह से, मतलब इनडायरेक्ट सनलाइट जो है सनलाइट नहीं पहुँचता है, इसीलिए आर्टिफिशियल जो लाइट है उसका हेल्प हम ले सकते हैं। मैंने ऐसे एक टेबल है जो एक ग्लास का टेबल है उसके नीचे मैंने लाइट लगा के रखा है, तो आप देख सकते हो मेरा प्लांट कितना हेल्दी ग्रो कर रहा है। तो आप किसी भी ट्यूबलाइट बल्ब या टेबल लैम्प किसी भी तरीके का लाइट के पास आप आपका इंडोर प्लांट रख सकते हो और हेल्दी ग्रो कर सकते हो। जैसे ये मैंने एक ट्यूरी लाइट के पास रखा है, रबर प्लांट को, अरीलियन प्लांट को, पोथोस को। ये पोथोस भी बहुत खूबसूरत से ग्रो कर रहा है। इस तरह से आप आपका इंडोर प्लांट को आर्टिफिशियल लाइट का हेल्प दे सकते हो। उसके बाद आता है वाटरिंग। सॉइल को टच करके देखना चाहिए, जब वो हाथ पे स्टिक नहीं हो रहा है, ड्राई हो गया है सॉइल, उसके बाद ही आपको वाटरिंग करनी चाहिए। वाटरिंग करने के वक्त ये ख्याल रखना ज़रूरी है कि आप डीपली वाटरिंग किए। आप एक फिंगर को पुट करके देख सकते हो, अगर ड्राई हो गया सॉइल तभी आप वाटरिंग कीजिएगा और डीपली वाटरिंग कीजिएगा। सबसे ज़रूरी बात कि ये सॉइल आपका जो वाटर है उसको तो सोक कर रहा है, वो नीचे से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ड्रेनेज होल से पानी निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेल्दी इंडोर प्लांट ग्रोथ के लिए। आप देख सकते हो इस तरह से नीचे से अगर पानी निकल जाएगा तो आपका प्लांट हेल्दी ग्रो करेगा। अगर किसी भी वजह से आपका पानी इस सॉइल के अंदर होल कर गया, अगर
उस पर रुक गया तो आपका प्लान मर भी सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे और किसी वीडियो में।